Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well और अच्छी तरह. मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा studies पर मेहनत कर रहे होंगे. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कल से ही related, और कल जो हमने शुरू किया था हम उस आज उसी को continue करेंगे. कल हमने ये पढ़ा था कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी क्यों होती. सही, बेरोजगारी किसी भी मुल्क के संगीन तरीन मसाइल में से एक हो सकता है. अगर कोई काफी दिनों बाद सुन रहा है तो उसके लिए बता दूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बिकॉम पार्ट टू का हम इस वक्त एक टॉपिक पढ़ने पड़ा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इससे रिलेटेड हमने दो डिस्कस किए थे कल, एक था हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और दूसरा था लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. आज बेसिकली जो हमारा टारगेट होंगे मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को हम देखेंगे पहले, और फिर हम देखेंगे सिख इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेटाइजेशन, और फिर इंशाल्लाह इससे आगे हमारी बात बढ़ेगी. तो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, कल मैंने जैसा कि आपको बताया देयर आर सो मेनी कॉजेज. बच्चों का खुद ना पढ़ना एक बहुत बड़ी वजह होती है, स्किल्स डिवेलप ना करना हमारी पॉपुलेशन हमारी आबादी की अपने अंदर. अगर आप नौकरी करना चाहते हैं आप अपने अंदर ऐसे स्किल्स पैदा करें के सामने वाला खुद आपको नौकरी देने पर मजबूर हो जाए, उसको लगे कि यही वो बंदा जिसे मुझे जॉब पर रखना चाहिए और ही इज गुड इनफ. तो जब तक ऐसा नहीं होगा, अच्छी नौकरी आपको मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं. राइट, आई होप कि बात आपके समझ में आ रही होगी. तो करना क्या है, आपने मेहनत करनी है जी. मेहनत मेहनत वाहिद वो जरिया है जिससे आप मजीद तरक्की कर सकते. तो पहला रीजन मैंने आपको बताया था कि आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है. जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे. राइट, और क्योंकि उतनी तेजी से रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, ये मेन रूट कॉज है हमारा बेरोजगारी का. आबादी बढ़ना मसला नहीं है, रिसोर्सेज का कम होना बेसिकली मसला है. ठीक है, तो ये एक मसला. दूसरा मसला मैंने आपको बताया था लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है. इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब होगी, जब हम लोगों को बताएंगे कि दिस इज पाकिस्तान, इसमें ये इन्वेस्टमेंट का ये फायदा ये फायदा ये फायदा ये फायदा ये फायदा. हम उनको एक लिस्ट देंगे पूरी के इतने सारे हम आपको पाकिस्तान में फायदे दे सकते हैं. अगर आप पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान आपको बहुत सारे फायदे देगा. पाकिस्तान आपको सस्ते मजदूर, सस्ती जमीन, सस्ती बिजली और दीगर चीजें देगा, टैक्स आपसे कम लेगा. आप हमारे लोगों को रोजगार दें, प्रॉफिट कमा के हमारे ले दें, रोजगार तो दें, सैलरी तो देंगे ना आप हमारे लोगों को, हमारे वर्कर को सैलरी तो देंगे ना आप. आपकी जो हमारे पाकिस्तान की वर्किंग पॉपुलेशन जो बेकार बैठी हुई है घरों पर, अगर कोई बाहर से आकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करता है तो उसकी जॉब लग जाएगी भाई. तनख्वाहों की सूरत में जो पैसा आएगा वो तो पाकिस्तान में कम से कम रह जाएगा. इस तरीके से कौन काम कर रहा है जी दुनिया में, चाइना काम कर रहा है. हर बार चाइना कहां से आता है जी, इतना तो पैसा नहीं था चाइना के पास, इतनी इन्वेस्टमेंट कर देता. ये बाहर से लोग आकर वहां गए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की. बांग्लादेश टके टके के लोग हमारे यहाँ, मैं बचपन से देखता आ रहा था कि बड़ा मशहूर मशवरा वो था मुहावरा कि टके टके के लोग, टके टके 5 टके 2 टके के लोग. ठीक है ना, वो आजकल कुछ दिनों पहले एक ड्रामा जो है वो बड़ा मशहूर हुआ मेरे पास, तो उसमें था 2 टके की औरत है ना. अब भाई टका पाकिस्तानी रुपये से महंगा है, वो पैसे की वैल्यू कम है, टके की वैल्यू ज्यादा है जनाब. कैसे हुआ, ये भी इसी तरीके से हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इलाके के अंदर अपनी जगह पर इन्वेस्टर्स को ऐसा एवेन्यू
जो है वो प्रेजेंट किया कि इन्वेस्टर वहां खिंचे चलिया है और उससे उनका जीडीपी क्या हो गया, उनका जीडीपी बढ़ गया। जब उनका जीडीपी बढ़ा तो उनके हालात क्या हो गए, उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। आपके भी हालात बेहतर हो सकते हैं, हमारे भी हालात बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कैसे? पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी होगी जो हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे। जब तक इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होते, इन्वेस्टर्स का कम होना, फैक्ट्रीज का कम होना, बिजनेसेस का कम होना, इन दोनों चीजों का कम होना मतलब बेरोजगारी का ज्यादा होना, ठीक है जी। ये तमाम चीजें क्या है, ये तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है जी, ये तमाम चीजों का आपस में ताल्लुक है, एक चीज से दूसरी चीज जो है वो कनेक्टेड है। आई बस मन आगे बढ़ते हैं। सो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमारी नेक्स्ट स्टडी। एग्रीकल्चर इज अंडर प्रोसेस ऑफ मैकेनाइजेशन, मशीन्स आर रिप्लेसिंग लेबर एंड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। वक्त गुजरता जा रहा है, इंसान की जगह मशीन लेता जा रहा है, क्यों? अब उसके रीजन सुनिए आप एक एक करके। एक रीजन मैं अपनी बात करता हूं, मैं इंसान और एक बैंक में कैशियर मिसाल के तौर पर। अब महीने के आखिर में मैं क्या मांगूंगा बैंक से? तनख्वाह। नजला खांसी बुखार, देयर सो मेनी थिंग्स, शादी भी मारी, डेथ किसी की, अगड़म बगड़म सगड़म, छुट्टी मांगूंगा, साल पूरा होगा प्रमोशन मांगूंगा, मेरे दीगर खर्चे होंगे ऑफिस में, पानी खाना पीना, देयर सो मेनी थिंग्स, क्लेम करूंगा मेडिकल, नखरे दिखाऊंगा, कभी लेट आऊंगा, कभी बगैर बताए छुट्टी करूंगा, कहीं बोलो थक गया, कहीं बोलो सर में दर्द हो रहा है, नहीं कर सकता आज काम, हाजिरी भी लगा दूंगा, समझ में नहीं। बट वॉट अबाउट मशीन? अब मेरी जगह ऑटोमेटेड टेलर, ऑटोमेटेड कैशियर, जिसको एटीएम मशीन कहा जाता है, सही है ना, वो उसने ले ली। जब उसने मेरी जगह ली, उसने कहा, आप उससे पूछा गया महीने में तनखा चाहिए, नहीं, हाउस लोन चाहिए, नहीं, कार लोन चाहिए, नहीं, मोटरसाइकिल आना जाना, पेट्रोल, नहीं, बीमार होती हो, नहीं, ना तनखा, ना मेडिकल, ना कुछ क्लेम, कोई नहीं, कुछ छुट्टी नहीं, नहीं, मैं आज बहुत एटीएम मशीन में अपनी जगह पर रहते रहते थंगा गई हूँ, मुझे आज सीबीओ भेज दो, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मशीन मतलब कितना सुकून देती है मालिक, कि जब जितना इंसान काम कर रहा है उतना ही अगर मशीन भी। क्या किसी एटीएम मशीन में आपने सुना कि वो 5 बजे निकल के मशीन अपने कहीं और चले जाए? नहीं, मशीन 24 घंटे वहां है, 365 दिन वहां। समझ में आ रही नाज़रीन आपके मेरी बात? तो हमारा जो एम्प्लॉयर है, जो हमारा बिजनेसमैन है, वो क्या सोचता है? उसको ये लगता है कि अगर मैं एक इंसान को मशीन के जरिए रिप्लेस कर दूं तो ये मेरे लिए बेहतर, क्योंकि मशीन काम ज्यादा करेगी, पैसा, ना तनख्वाह, ना नखरे, कुछ भी। अच्छा, फिर काम ज्यादा हो रहा है, मशीन थकती नहीं है। ये तमाम रीजंस बन गए जिसकी वजह से मशीन्स आर रिप्लेसिंग लेबर एंड क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। Migration from villages to cities is also a cause to of increase in unemployment, as cities have already reached to their saturated level and could not absorb new job seekers. अब होता क्या है? 10-12-15 हारी थे, सब एक ही खेत में काम कर रहे थे, वक्त गुजरा, जमींदार ने ट्रैक्टर ले लिया। अब जब जमींदार ने ट्रैक्टर ले लिया, उसने 15 में से 14 हारियों को निकाल के एक हारी रखा, उसको बोला तुम इसको चलाओगे और हम तुमने काम करना। 14 हारी वहां से निकले, कराची आ गए, यूपी मोड़,
वाटर पंप पर बैठ गए, गुलशन चुरंगी पर बैठ गए, हाँ भाई यति मिर्जा लेकर गेटिंग। तो ये वजह क्या बनी इसकी, इसकी वजह बनी बेरोजगारी। अरे बस बस अच्छा जी, यानी कि मशीनें क्या करती है, मशीनें एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा हम थोड़ा सा इसमें हमारे अपना खुद का यानी कि पाकिस्तानियों का भी फॉल्ट, आप 15 के 15 हारी रखते, अपनी प्रोडक्ट 15 ट्रैक्टर का बंदोबस्त करें, कुछ और किसी इन्वेस्टर को मिलाएं, पार्टनरशिप बनाएं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाएं, इन 15 के 15 हारियों को एक एक ट्रैक्टर दें और अपनी जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन उसको 15 गुना बढ़ा दें, और जितना इजाफा हो 15 गुना, एक तो ये होगा कि जो हमारी कंट्री की अपनी नीड होगी, हमारी कंट्री की जो अपनी नीड होगी एक तो वो पूरी हो जाएगी नंबर वन, और जो हमारी कंट्री की नीड से ज्यादा मतलब प्रोड्यूस होगा, जो हमारी कंट्री से की नीड से प्रोड्यूस होगा हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास बढ़ जाएंगे तो हमारा रुपया जो अपनी कदर खो बैठा है वो अपनी कदर को दोबारा हासिल कर लेगा। आई बात समझ, यानी मशीन को, हम मशीन को क्या कह रहे हैं, हम मशीन को कहते हैं कि ये बेरोजगारी फैलाने वाली चीजों में से एक चीज है, जबकि अगर हम इसका बेहतर इस्तेमाल करें तो यही मशीन हमें एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बना सकते हैं, एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं। ऐसा वक्त आ सकता है पाकिस्तान पर भी कि जब कोई बेरोजगार होगा तो तनख्वाह उसको गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी, कपड़े लगते उसको अपनी जेब से देगी, उसके स्कूल के बच्चों की फीस, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, राशन, मकान का किराया, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। तो खुदा बंदे ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को तौफीक भी दे और उनको अकल भी दे और ये बेहतर तौर पर फैसले कर सके, ठीक है ना। अच्छा सिर्फ हुक्मरान ही नहीं, हमारे एम्प्लॉयर को भी सोचना चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। अच्छा उनको लगता है कि इससे बड़ा बिजनेस करूंगा कोई मेरे पीछे लग जाएगा, ये चीजें भी हमें हमें अपने बिजनेसमैन को तहफ्फुज देना ही होगा। अगर पाकिस्तान के बिजनेसमैन तहफ्फुज में होंगे तो वो ज्यादा बेहतर फैसले करेंगे, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज सिख इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे आप लोग, एज यू नो सिख मतलब होता है बीमार, सिख मतलब बीमार, तो बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। अगर एक शख्स बीमार होता तो उसकी वजह से खुद मरेगा ना, लेकिन जब एक इंडस्ट्री बीमार हो जाती है, एक फैक्ट्री बीमार हो जाती है, तो नाजरीन उसमें काम करने वाले जितने मजदूर होते हैं उतने खानदान पर उसका असर आता है, उतने खानदान बीमार हो जाते हैं टेंशन से, परेशानियों से, भूख से, बीमारी से, महरूमी से, जिल्लत से, उधार मांगने की, कर्ज मांगने की, राशन मांगने की, खाना मांगने, देखिए मांगना कोई नहीं चाहता, चंद प्रोफेशनल्स के अलावा, मंगू आपने सुना, मंगू मंगू मतलब मांगने वाला, मंगू तो मांगने वालों के अलावा कोई नहीं मांगना चाहता, जो प्रोफेशनल होते हैं उनका तो काम ही मांगना है। चलिए अब इसमें देखते हैं, जरा सुनिए, इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मैनी इंडस्ट्रीज बिल्कुल प्रॉब्लम फेस कर रही है, और इस वक्त पाकिस्तान में कायम तमाम जो कारोबारी हजरात हैं उनकी परेशानियां अपने उरूज पर, मेनी ऑफ देम आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, शॉर्ट ऑफ डिमांड इन लोकल मार्केट्स, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशन विद फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स, नंबर ऑफ सिक इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे व्हिच इज कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है जी, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को हमें टेकअप करना ही होगा। अब सिख इंडस्ट्री को मजीद डिफाइन करना चाहूंगा
वो कंट्री जिसका प्रॉफिट मुसलसल गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, उसे सिक इंडस्ट्री कहा जाता है। ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल गिरता चला जा रहा है, उसे सिक इंडस्ट्री कहा जाता है। प्रॉफिट गिरता जा रहा है, प्रोडक्शन गिरती जा रही, लॉस में, दीज आर सिक इंडस्ट्रीज। अगर वो सिक इंडस्ट्री सरकारी, वो फिर क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर प्राइवेट सिक हो तो वो तो उसको बेच नहीं सकेगा, तो बंद करना पड़ती है उसको, ठीक है ना। तो ये चीज भी यहाँ पर काबिले जिक्र है। अभी प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, मैं आपको प्रेजेंट हालात बता रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो, उसने 100 से ज्यादा सरकारी इदारों की लिस्ट बनाकर रखी हुई है जिन्हें वो प्राइवेट करने जा रहे हैं। सही, इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी ऑफ देम आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड सो ऑन। आई थिंक नंबर ऑफ सिक इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट्स कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका हल क्या है? हल ये होता है कि भाई बीमार हो तो क्या इंजेक्शन लगता है, दवा देनी पड़ती है। यही बेसिकली इन इंडस्ट्रीज का भी हल है। लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन बड़े वाले लगते हैं, मतलब इक्विटी इंजेक्ट की जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज का क्या किया जाए, ऐसी इंडस्ट्रीज को माल दिया जाए, पैसा दिया जाए और इनको दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की जाए, इनको चीजें खरीदी जाए, यानी कि इनको दोबारा रिवाइव किया जाए, फिर दोबारा बोले लेट्स ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करो। लेकिन उससे पहले क्या होता है, आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं, आप एनालिसिस करें, रिसर्च करें। अगर आप एनालिसिस रिसर्च और ये तमाम चीजें आप कर लेते हैं तो आप एक बेहतर फैसला कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह अंदाजा से हो जाएगा कि मतलब ये इसके फायदा होगा या नुकसान होगा, व्हाटएवर टू बी गोइंग ऑन, वो चीजों का आप अच्छी तरह से अंदाजा भी लगा सकते हैं और समझ भी सकते हैं, राइट। सिक इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से तो हर इंडस्ट्री सिक हो चुकी है, सबको बहुत ज्यादा जो है वो लॉस का सामना है। अल्लाह जो है वो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के मसलों को हल करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिग्रीज इन फॉरेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जी एक के बाद ना एक इस तरह के मसाइल हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है ना बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। अब एक टैग लगा मुसलमानों को 9/11 के बाद, 9/11 के बाद जो मुसलमानों को टैग लगा वो बहुत ही खतरनाक टैग था। वो क्या था? दहशतगर्द, मुसलमान दहशतगर्द। जहां भी दाढ़ी वाला देखा दहशतगर्द। और नहीं भाई, मुसलमान अमन का गहवारा है, इस्लाम अमन का गहवारा है। ये अमन पसंद मुसलमान होते हैं, ये शिद्दत पसंद नहीं होते। लेकिन ये मैसेज सबको पहुंचाना मुश्किल हो गया था कुछ नाम निहाद लोगों की वजह से। लेकिन वो सुना करे कोई भरे कोई, करा एक ने भरा किसने जी, पूरी उम्मत मुसलमान है, इसकी वजह से नुकसान होता और हजारों दसियों लाखों लोग जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों से बेदखल कर दिया। पूरा यूरोप खाली कर दिया मुसलमानों से, पूरा अमेरिका ने बहुत ज्यादा मुसलमान को निकाल दिया। Due to war between Iraq and Kuwait, attack on Afghanistan and Iraq, economic crisis in the Middle East and on the other European countries, Pakistani workers have been removed from their jobs, thus creating unemployment situation in the country. अब क्या हुआ? जगह जगह जंग हुई, मुसलमान दहशतगर्द, तो मुसलमान को दहशतगर्दी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी जगहों से जो है वो मुसलमान निकल के आया। जब मुसलमान है तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान तो आपको पता है पाकिस्तान में 97% मुसलमान आबादी है। अब जॉग दर जॉग टीम के टीम रोड़े क्या होता है वो जो ग्रुप होता है हुजूम रेवड़, हाँ रेवड़ के रेवड़ आते जा रहे हैं लोगों के, यहाँ वो निकाल दिया जॉब। अब यहाँ पर इसके असर बेरोजगारी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ी। अब इसके मैं और चीज ऐड करेंगे कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से जो है वो बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में बेरोजगारी फैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कई करोड़ लोग दुनिया भर में अपनी जॉब्स से हाथ धो बैठेंगे,
जो जॉब पर रहेंगे उनकी सैलरीज में कट डाउन हो सकता है, उनके जो प्रमोशन है वो डेफर्ड हो सकते हैं, उनकी सैलरीज में कट डाउन, देयर सो मेनी थिंग्स टू बी गोइंग ऑन, और आने वाले जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो भी कम सैलरी पर होंगे. मतलब द वर्ल्ड इज गोइंग चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. अच्छा जी, तो इसका अब हल क्या है? हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाए और अपने हमारे जवानों को रोजगार पर लगा दें. यहाँ पर ये सवाल कम्प्लीट हुआ, ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है. एक इसमें हेडिंग आपने खुद ऐड करनी है, माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे आप, फिर भी अगर आपसे ना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए 24 घंटे आपके लिए मौजूद हूँ. बहुत ख्याल लगेगा, ये वीडियो को अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.